कंधे से आते हैं हमें तड़पाते हैं चिट्ठी के पूछे के घर कब लिखो कब कि तुम बिन ये घर हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो उस बार कठे फतेह नगर क्योंकि ये फतेह है नाम ही इसका जीत से जुड़ो शुरू होता है यानी आप लोग भिन्न हो तो भिन्न के नाम से विनर के नाम से ये फतेह फतेह नगर तो एक बार सभी शूरवीर योद्धाओं से निवेदन करता हूं कि हाथों को उठाकर मायण थारो वो भूत कठे थारो वो भूत कठे एक लिंग दीवान कठे ओ महाराणा इतनी कमजोर नहीं ओ महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ो से उड़
तो पानी कति रुके नहीं, शीश कटे पर कोई बात नहीं, कल तक बोल देना मेरा क्या है, मैं कल फिर यही बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। शीश कटे पर उठे हुए माथे के सन्मुख, उठे हुए माथे के सन्मुख ठहरन पाती हाँ, ठहरन पाती हाँ, साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, साथियों हो जाओ तैयार, क्योंकि आज देशरी सीमा पर, आज देशरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, संकट रा बादल मंडराया, संकट रा बादल मंडराया, ए पाकिस्तानी घुसते था, ए पाकिस्तानी घुसते था, भारत सीमा में घुस आया, भारत सीमा में घुस आया, भारत सीमा में घुस आया, पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत सीमा में घुस आया, लेकिन अब नहीं आएंगे, क्योंकि भारत के वीर सपूतों ने सबक भी ऐसा दिया है कि अभी तक तो उन लोगों का बुखार ही नहीं उतरा जी। वो इमरान खान अभी वहां अमेरिका में बोलते बोलते 25 बार यहां अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम बोल गए, उनको पता ही नहीं चला कि मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक उनका सर ठिकाने नहीं आया, क्योंकि ये नया भारत है दोस्तों, ये हम लोगों का नया जगता हुआ भारत है। भारत तेरा वीर जवाना थी आने ओ सबक सिखा दीजो, ते हो प्रताप का ही वंशज जाने आबा सर्टिफाइड हो चुका, आप क्यों नहीं बोलते हो, यो कश्मीर मुट्ठियों को कस के, कोई पाकिस्तान में देख ले तो पता तो चलेगा फतेहनगर के लोगों ने ऐसी हुंकार भर दी, फिर यो कश्मीर अब जो नहीं बोलेगा मुझे उस पर शक होगा, फिर क्योंकि नहीं बोलने वाले अभी जेलों में पड़े, आप जान सकते हैं सुबह गूगल पर सर्च करके, यो कश्मीर भारत को है हुण आंख दिखावे आज अठे, मायड़ थारो वो एक लिंग दीवान कथे महाराणा। चलिए मैं कुछ नया सुना के जाना चाहता हूं, ऊपर करो माइक। पिछले दिनों पुलवामा का हमला हुआ, हमारे देश के 40-42 लोग उस काल में सदा के लिए समा गए, लेकिन मां भारती की मांग सजा गए। यह मेरा निजी विचार है सर कि पुलवामा में वो लोग शहीद नहीं होते तो कश्मीर से 370 धारा कभी नहीं हटती, वे उन लोगों का बलिदान है जिन्होंने यह सोचा था कि मैं रहूं ना रहूं पर मेरा देश, मैं अपने रक्त कणों से मां भारती की मांग सजा जाऊंगा, मेरी मां मेरे लिए तरस जाएगी, मेरी मां की थाली बेटे के लिए रह जाएगी, मैं अपनी पत्नी को विधवा का जहर दे जाऊंगा, लेकिन मैं अपने खून से भारत माता की मांग सजा के जाऊंगा, और वो मांग सज गई दोस्तों।
एक नाम पूरे विश्व ने सुना, और वो नाम शायद आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान की धरती पर उतरकर जिसने दुश्मन के मुंह से निकलकर मां भारती का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया, और वो नाम था अभिनंदन। आपने बहुत सुना होगा, एक गीत आया था बॉर्डर फिल्म में, कौन सा था, कौन सा गीत था, तंदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी के पूछे के घर कब लिखो कब, कि तुम बिन ये घर। अब आप मुझे ये लोगों ये बताओ कि उस गीत में सबसे लास्ट में क्या लेने थी, मैं वापस और वो शेर आ ही गया, लेकिन पाकिस्तान में जब वो उतरे उनका प्लेन क्रैश हुआ, तो मैं उसी गीत की पंक्तियों से उनको नवाजूंगा कि उन्होंने क्या सोचा होगा। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गांव में ए जो वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे अपने बेटे का नाम दे। ए हवा हे गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिल रुबा, मेरी माँ मेरा सलाम दे, उसी जाके तू ये पयाम दे, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, हम जाओ पुराने मायड़ थारो पूत कटे, मायड़
दिल संत तूने कर दिया कमाल, तो मैं अंतिम में आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि अब पूरे विश्व को लगने लगा है थोड़ा सा क्षण कि भारत ही विश्वगुरु था, भारत ही विश्वगुरु है और भारत ही विश्वगुरु, भारत ही विश्व गुरु रहेगा। तो हमने कहा जीते हो किसी ने देश का, हमने तो दिलों को जीता है। ओ, 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 ओ,